ऑलराइट, सो ये हमारी सीरीज का पार्ट टू है। इसका पार्ट वन मैं बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने बात की थी कि आप लड़कियों को कैसे इंप्रेस कर सकते हो चैटिंग में। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी चीजें, कौन सी गलतियां नहीं करनी है चैटिंग करते वक्त। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी अलग लेकिन आपके बहुत ही ज्यादा काम की है। अगर आपको अपनी क्रश, जिससे आप प्यार करते हो, उसे आपको अगर इंप्रेस करना है चैटिंग में, तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको कभी नहीं करनी है। अगर ये 5 गलती की तो समझना बहुत कम चांसेस हो जाएंगे उस लड़की के इंप्रेस होने के। आज की वीडियो के बाद आपके चैटिंग का लेवल होने वाला है बहुत ही ज्यादा हार्ड, बहुत ही ज्यादा कमाल। तो सीधा चलते हम वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज जो आपको चैटिंग में कभी नहीं करनी है वो है बार बार सेम क्वेश्चन लड़कियों को पूछते रहना, एक का एक क्वेश्चन बार 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 बार। फॉर एग्जाम्पल, वो कुछ भी सवाल हो सकते हैं, जैसे कि तुम घर आ गई, फिर थोड़ी देर आपने वापस बात की, वापस ये मैसेज कर रहे हो तुम घर आ गई, या फिर ये वाला मैसेज और बताओ, हर 5-10 मिनट में और बताओ। और ये वाली गलती पता है क्यों होती है? ये वाली गलती होती है इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको बात क्या करनी है। आपको अपने क्रश के लाइक और डिसलाइक पता ही नहीं है, तो आगे जाके आपका माइंड हो जाता है ब्लैंक। आपको पता नहीं चलता है कि मेरे को यहां से क्या बात करनी है, और कोई कन्वर्सेशन भी आपके दिमाग में नहीं बैठती है। उस वक्त ये वाली गलती हम बहुत करते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट मोड पे, और बताओ और बताओ और बताओ, और लड़की हो जाती है कंप्लीटली इरिटेटेड। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि औरत को समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सोशल मीडिया के जमाने में ना मेरे भाई, औरत को समझना मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको देखना है कि ये लड़की कौन सी चीजों को लाइक कर रही है, कौन से पेजेस को लाइक कर रही है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि उसने कौन कौन सी चीजों को लाइक कर रखा है, उसका इंटरेस्ट किस चीजों में। सो आप क्या कर सकते हो, आप वो सारी चीजों को ध्यान में रखो, और जब ये वाली नौबत आए ना, और बताओ जब, मतलब सेम क्वेश्चन आपके पास आ रहे हो, आपके पास बात करने के लिए कुछ बचा नहीं हो, तब आपने ये यूज करना है। मिस्टेक नंबर 2, लड़कियों से बात करते वक्त आप कर देते हो भाई मैसेजेस की बारिश। भाई वाह, बारिश का मतलब क्या है, इसको मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में और एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा फिर इसको समझ पाना। समझो आपने किसी लड़की को भेजा हाय, उसके बाद भेजा हेलो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपने खाना खाया, ये वो, और आप लगातार मैसेज भेजते जा रहे हो। जब आप इतने सारे मैसेज कर देते हो, तब वो लड़की क्या करती है, इसमें से बहुत सारे जो मैसेज होते हैं ना, वो इग्नोर कर देती है। और वो कौन से मैसेज होते हैं, जिसमें आपने की होती है बहुत ही प्यारी फ्लर्टिंग, या फिर आपने जो अपनी दिल की बात वहां रखी हो, और वो चीज हो जाती है इग्नोर। तो एक साथ बहुत सारे मैसेज कभी नहीं भेजने। और यहाँ पे एक और गलती आती है, वो ये है कि प्लीज रिप्लाई मी। भाई क्या है ये, मतलब क्या है प्लीज रिप्लाई मी। एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखना, आपका भाई आपको समझा रहा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के किसी भी लड़की को इंप्रेस मत करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे आज के वीडियो स्पॉन्सर के बारे में, और वो है नोस्ट्रा प्रो। ये एक स्पोर्ट प्रेडिक्शन एप्लीकेशन है, जहां पे आप क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, इन सारे गेम्स को प्रिडिक्ट करके, और यहां पर आपको सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आज की मैच कौन जीतने वाला है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये पूछा जाएगा कि किसकी बैटिंग स्ट्राइक रेट ज्यादा होगी, प्लेयर्स के नाम होंगे, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब कंप्लीटली प्रिडिक्शन के ऊपर है, आपके माइंड के ऊपर है कि आपको कितना ज्यादा नॉलेज है, जितना ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा आप यहां से पैसा बना सकते हो। और यहां से जीते गए पैसे को आप सीधा अपने बैंक में या फिर अपने पेटीएम में ट्रांसफर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अगर आप वहां से जाके डाउनलोड करते हो तो आपको साइन अप बोनस भी जरूर मिल जाएगा। ये आपके एंड्रॉइड, iOS और आपके डेस्कटॉप तीनों वर्जन के लिए अवेलेबल है। मिस्टेक नंबर 3 जो आपको कभी नहीं करनी है एक लड़की से चैटिंग करते वक्त, और वो ये है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो ही इंग्लिश में बात करो, अगर नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में मैसेज सेंड करो। सही है ब्रो, हिंदी में मैसेज सेंड करोगे चलेगा, लेकिन ये जो टूटी फूटी अंग्रेजी लेके आए हो ना, मतलब इसका दिस कर दिया, वॉस का दैट कर दिया, इंग्लिश की माँ बहन एक कर दी। जब आप पहली पहली बार चैट कर रहे होंगे और लड़की अगर आपको इंग्लिश में मैसेज भेजती है, तो उसका रिप्लाई आपको इंग्लिश में ही करना है, क्योंकि वो मैसेज बहुत नॉर्मल होंगे, यार हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आपको तो मेरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन बाई चांस अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछना है थोड़ी चैटिंग होने के बाद में, लेकिन उसको इस तरह से पूछना है कि वो आधा क्वेश्चन इंग्लिश में हो, आधा क्वेश्चन हिंदी में हो। ऐसे धीरे धीरे करोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी बातें हिंदी में स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 4, मैं मान लेता हूं कि आप हो एक बहुत ही स्मार्ट बंदे, आपको पता है मैसेज करने का A to Z रूल, आपको सब कुछ आता है, आप फ्लर्ट करने में एक नंबर हो, लेकिन
एक चीज आप गलत कर रहे हो, और वो चीज क्या कर रहे हो, आप प्रॉपर टाइमिंग ही नहीं ढूंढ पा रहे। आप उस लड़की से तब फ्लर्ट कर रहे हो जब वो सबसे ज्यादा बिजी है मेरे भाई, उस वक्त वो आपको इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देगी और आपकी जो मेहनत है ना वो भी पानी में बह रही होगी। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद ही उस लड़की से पूछ लो कि वो किस टाइम सबसे ज्यादा फ्री रहती है, उस वक्त आपने उसको करना है मैसेज। और मेरा यकीन मानो, अगर आपकी फ्लर्टिंग ऑन पॉइंट होगी, अगर आपकी टेक्स्टिंग ऑन पॉइंट होगी ना, तो वो आपको रिप्लाई सबसे पहले करेगी, और हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो सिर्फ आपको ही रिप्लाई करे। मिस्टेक नंबर 5, और अगर आप इस चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको एक चीज पता होगी, ये वाली मिस्टेक मैंने मेरी बहुत सारी वीडियोस में बताई है। और क्यों बताई है? क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे ब्रो। चलिए देखते हैं ये मिस्टेक है कौन सी। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा आपका बॉयफ्रेंड। और आपका सबसे पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ₹1000 के लिए ये रहा, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी चेन्नई, या ऑप्शन डी दिल्ली। भाई गोड़, कौन बनेगा करोड़पति खेलने लग जाते हो आप उसके साथ? आपकी एज कितनी है, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, और ये सारे मैसेज हो रहे हैं एक साथ मेरे भाई, क्यों इंटरव्यू ले रहे हो उसका? ये तो फिर भी ऐसे सवाल हो गए जो इंपॉर्टेंट थे, जो पूछने जरूरी थे, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अजीब सवाल पूछते हैं। मैं थोड़े दिन पहले मेरे भाई की ही चैट देख रहा था, और वो एक बंदी से बात कर रहा था, और शायद वो पहली बार बात कर रहा था, उसका सवाल सुनना, वो लड़की को पूछता है आपने आज क्या खाया, तुझे क्या लेना देना भाई उसने क्या खाया उसने क्या नहीं खाया, तू पहली बार उससे चैट कर रहा है और ये इतनी बड़ी ब्लंडर मार रहा है वहां पे, इंप्रेस करने की जगह उसका मेन्यू पूछ रहा है। तो ये थी वो 5 चीजें जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है किसी भी लड़की से चैटिंग करते वक्त। ये सारी टिप्स फॉलो करना, लौंडे बन जाओगे मेरे भाई चैटिंग करने में। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपका भाई आपके लिए बनाता रहता है। अगर आपके भाई से और सवाल पूछना चाहते हो आप, तो आप जा सकते हो इंस्टाग्राम पे, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी लिंक, क्लिक करना, फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, वहां पे भी बहुत कमाल की चीजें मैं डाल रहा हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।